नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में तूफान बनकर आ रहा है और एक बार फिर पूरी दुनिया की सांस अटकी हुई है कि आगे क्या होगा। क्या एक बार फिर कोरोना पूरी दुनिया को खून के आंसू रुला जाएगा, इसे लेकर दुनिया के सबसे धनी शख्स बिल गेट्स ने चेतावनी दी है। वहीं भारत सरकार एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। अब तक कम खतरनाक समझे जाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन से बीते 24 घंटों में 13 मौतें हुई हैं। अब तक कुल मिलाकर 14 लोग ओमिक्रॉन से काल के गाल में समा चुके हैं। वहीं WHO ने सभी देशों को एक बार फिर गंभीर चेतावनी दी है। ओमिक्रॉन का तूफान आ रहा है, सतर्क और सावधान हो जाएं। इसराइल में ओमिक्रॉन से पहली मौत की खबर सामने आई है। इजरायली सरकार ने इसको लेकर देश में हवाई यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा सरकार कई अन्य तरह के कड़े प्रतिबंधों पर भी विचार कर रही है। इजरायली स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई है। दक्षिणी शहर बेरशेवा में स्थित सोरोका अस्पताल की ओर से कहा गया कि 60 साल के एक व्यक्ति की अस्पताल में भर्ती होने के 2 सप्ताह बाद मौत हो गई, जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव था। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि वे वृद्ध नागरिकों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए चौथे बूस्टर डोज को मंजूरी देने के लिए विचार कर रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों से सलाह ली जाएगी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। बिल गेट्स ने संक्रमण को लेकर लगातार एक के बाद एक 60 ट्वीट किए। उन्होंने आशंका जताई कि हम जल्द ही महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर सकते हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वे अपनी छुट्टियों की योजनाओं को कैंसिल कर चुके हैं क्योंकि उनके कई दोस्त संक्रमित हो रहे हैं। गेट्स ने मास्क पहनने, वैक्सीन लगवाने और भीड़ न लगाने की सलाह दी है। उन्होंने आगे कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में बेहद तेजी से फैल रहा है। जल्द ही यह दुनिया के हर देश में पहुंच जाएगा, हर घर पर दस्तक देने वाला है। बिल गेट्स की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां पिछले एक सप्ताह में कोरोना के कुल मामलों में 73% नए मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिल रहे हैं। पहले यह संख्या 3% थी। आखिर में बिल गेट्स ने कहा कि इसी बीच एक अच्छी खबर है कि ओमिक्रॉन बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसी देश में फैलने के बाद संक्रमण की लहर 3 महीने से कम समय में भी खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, एक दिन महामारी खत्म होगी। हम एक दूसरे की देखभाल करें तो यह समय जल्द आएगा। वहीं भारत की बात करें तो यहां ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 213 पहुंच चुकी है। राहत की बात यह है कि 90 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं इसे लेकर केंद्र सरकार अब अलर्ट मोड में नजर आ रही है। ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई है। वहीं सभी आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखने की भी सलाह दी गई है ताकि किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सके। नया साल 2022 आने वाला है, क्रिसमस का त्योहार है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच जश्न का नहीं खौफ का माहौल बन चुका है। भारत समेत पूरी दुनिया का यही हाल है। एक्सपर्ट्स मास्क पहनने और भीड़भाड़ से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न के चक्कर में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसीलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।